नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ खास है। जो भी कैंडिडेट्स हरियाणा पुलिस के लिए तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, फिजिकल की तैयारी कर रहे थे, उनका रिज़ल्ट जो है वो आ चुका है। और ये आज यानी कि 11 तारीख को, 11 दिसंबर को रिज़ल्ट आया है। इसका एग्ज़ाम जो है वो 30 अक्टूबर, 1 नवंबर, 2 नवंबर को हुआ था। ये जो नोटिस, ये रिज़ल्ट आया है, उसमें क्या क्या दिया गया है, आइए जान लेते हैं। रिजल्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन एंड नोटिस टू कैंडिडेट फॉर PST, यानी कि फिजिकल के लिए भी इसमें नोटिस दिया गया है। तो ये सारी डिटेल हैं इसमें, किस डेट को आपका एग्ज़ाम हुआ था, कौन सी एडवर्टाइजमेंट नंबर थी, कैटेगरी क्या थी। तो इसका रिजल्ट दे दिया गया है। इसमें लिखा है द कैंडिडेट्स बेयरिंग फॉलोइंग रोल नंबर्स, यानी कि जो रोल नंबर नीचे दिए गए हैं, हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मलाइज स्कोर ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन, यानी कि जो स्कोर इन्होंने तैयार किया उसको नॉर्मलाइज भी किया गया है, उसके बेस पे ही रिजल्ट दिया है। एज पर पब्लिक नोटिस ऑफ नॉर्मलाइजेशन डेटेड 21/9/21, इन्होंने नॉर्मलाइजेशन का नोटिस था वो 21 सितंबर को दिया था, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने नॉर्मलाइजेशन की है। तो जिस भी कैंडिडेट को अपना रिजल्ट देखना है वो इसमें देख सकते हैं, काफ़ी मुश्किल होगा इसमें अपना रिजल्ट देखना। तो जिसको अपना रिजल्ट देखना है वो या तो वेबसाइट पे जाए HSC की पे, लेकिन इस टाइम वेबसाइट पे काफ़ी लोड है, सर्वर बहुत डाउन हो गया है। तो जिसको भी ये PDF चाहिए वो अपनी मेल ID कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उनको ये PDF मेल कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है वो टोटल पोस्ट 155 थी। ठीक है, तो इन्होंने जो रिज़ल्ट दिया है वो करीब करीब 38,000 कैंडिडेट्स का रिज़ल्ट इसमें आया है। वो कैसे, क्योंकि इसमें जो है 190 पेज हैं, ठीक है, और पर पेज 34 रो हैं इंटू 6 कॉलम हैं। ठीक है, तो ये हो गया 204 x 190, तो ये करीब 38,000 के आसपास कैंडिडेट बैठते हैं जिन्होंने जिनका इन्होंने रिटर्न एग्ज़ाम में क्लियर किया है। अभी तक इसका जो कट ऑफ है वो अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है। तो चलिए देखते हैं लास्ट में इसमें क्या दिया है, आप अपना रोल नंबर चेक कर लीजिएगा। लास्ट पेज पे चलते हैं जहाँ पे इन्होंने नोटिस दिया होगा फिजिकल के लिए, काफ़ी पेज हैं, तो हम सीधा आखिरी पेज पे पहुँचेंगे। एक सौ बयासी, हाँ 190। तो यहाँ तक का जो रोल नंबर है वो इन्होंने क्लियर किया है। तो नोट में क्या दिया है, द फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर अबोव द कैंडिडेट्स विल बी हेल्ड ऑन 17, 12, 18, 28, 12, यानी कि 17 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे फिजिकल और 28 दिसंबर तक चलेंगे। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड फॉर फिजिकल एंड अवेलेबल ऑन वेबसाइट पे, अवेलेबल आपका हो जाएगा 14 दिसंबर से, आपका एडमिट कार्ड हो जाएगा जिनका रोल नंबर यहाँ पे है। उसके बाद क्या लिखा इन्होंने, एंड रिपोर्ट एट द वेन्यू एज पर शेड्यूल मेंशन ऑन एडमिट कार्ड फॉर फिजिकल टेस्ट। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू डाउनलोड 2 कॉपीज़ ऑफ ओरिजिनल एडमिट कार्ड, यानी कि आपको 2 कॉपी करनी पड़ेंगी, नॉट टू बी फोटोस्टेट, फोटोस्टेट नहीं करना उसका, सिर्फ डायरेक्ट प्रिंट देना है और ये फिजिकल के टाइम पे लेके जानी है। एनी कैंडिडेट हु बिलोंग्स टू डिपेंडेंट ऑफ ACM किल्ड इन एक्शन और डिपेंडेंट ऑफ डिसेबल्ड कैटेगरी शैल रिप्रेजेंट इन कमीशन, उनको अपना जो सर्टिफिकेट है वो दिखाना पड़ेगा। वाइल एवरी केयर हैज़ बीन टेकन इन प्रिपेयरिंग द अपलोडिंग द रिजल्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरमेंट टेक्निकल एरर्स कैन नॉट बी रूल्ड आउट, द कमीशन रिजर्व द राइट टू स्पेसिफाई रेक्टिफाई द सेम लेटर ऑन। और जो रिजल्ट उन्होंने दिया है वो वेबसाइट पर उपलब्ध है, और ये रिजल्ट जो है वो आज की डेट यानी कि 11 दिसंबर में आया है। तो जिस भी कैंडिडेट को ये PDF चाहिए तो वो मेल कर सकते हैं। मेल ID
मैं आपको बता देता हूँ, NAVYADAV5809 एट द रेट gmail.com। इस मेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं, ये 5 है, NAVYADAV5809 पे आप मेल कर सकते हैं। थैंक यू।